हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंजीत सिंह और आज इस वीडियो में मैं आपको आरसीसी कॉलम में बताऊंगा कि उसके में जो टाई बार यूज किया जाता है उसका डिज़ाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हुआ हूँ कि आरसीसी कॉलम में दो टाइप का टाई बार यूज करते हैं, एक होता है आपका वर्टिकल मेन बार और दूसरा होता है टाई बार। तो इस वीडियो में आज जो मैं आपको बताऊंगा वो टाई बार के बारे में बताऊंगा, कितने टाइप की टाई बार यूज करते हैं, कितने में डाया का यूज करना चाहिए और उसकी क्या स्पेसिंग होना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, खास तौर पे ये कंपिटेटिव एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए जो भी जेई या एई का पेपर देते हैं, वहाँ पर इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, डिज़ाइन ऑफ टाई बार। दो टाइप का होता है, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट टाई बार, अब ये समझ लेते हैं कैसा होता है। मान लीजिए आपका ये कॉलम है, ठीक है, इस पर ये है वर्टिकल मेन बार, ये भी है वर्टिकल मेन बार, ठीक है, ये जो बार प्रोवाइड कर रहा हूं मैं अब, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट टाई बार। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ये जो जितने भी टाई बार यूज किया गया है ये क्या है आपका, इंडिपेंडेंट टाई बार, इसी को बोलते हैं। तो इसी का हमें यहां पर डिजाइन करना है। ठीक है, मैं यहां बता दूं आपको ये कौन सा बार है आपका, इसे बोलते हैं मेन बार, और जो ये दोनों बार यूज किए गए हैं इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट टाई बार। तो कितना डाया लेके चलना चाहिए, इसके डाया की अगर मैं बात करूं कितना होना चाहिए, 8 mm से लेकर के 8 mm टू 16 mm, सुनिए, 8 mm से लेकर के 16 mm, या डाया ऑफ मेन बार बाई 4। इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है डाया ऑफ इंडिपेंडेंट टाई बार। तो मैं कह सकता हूं विच इवर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, जो इन दोनों में सबसे ज्यादा अधिक है वो क्या कहलाएगा आपका, डाया ऑफ स्पाइरल बार। अब मैं बात करता हूं इसकी स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, पिच कह सकते हैं या स्पेसिंग कह सकता हूं मैं इसे, कितने कितने डिस्टेंस पे इसे डालनी चाहिए, कितने स्पेसिंग पे प्रोवाइड करना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए कंडीशन ये होता है कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन अब ये क्या होता है इसके बारे में आपको बता दिया हूं। लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होता है कि जो कॉलम का क्रॉस सेक्शन है उसका जो सबसे मिनिमम साइज होगा वो कहलाता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अगर स्क्वायर कॉलम है तो उसका जो साइड होगा, जो एक लेंथ होगा वो हो जाएगा। रेक्टेंगल में जो आपका मान लीजिए 300 बाई 450 mm का है तो 300 mm जो सबसे कम लेंथ है वो क्या हो जाएगा, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। सर्कुलर कॉलम में जो उसका डाया होता है वही होता है। अगला पॉइंट, 16 into डाया ऑफ मेन बार, 16 into डाया ऑफ मेन बार, और लास्ट 300 mm। इन तीनों में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, ध्यान देना यहां पे मैंने मैक्सिमम लिखा हुआ है, यहां पे मिनिमम लिखूंगा, विच इवर ऑफ मिनिमम वैल्यू ये हो गया आपका क्या, डिजाइन हो गया आपका किसका,
इंडिपेंडेंट टाई बार का। अब मैं बात करता हूँ स्पाइरल टाई बार कैसा होता है। देखिए स्पाइरल टाई बार में क्या होता है कि ये जो इंडिपेंडेंट टाई बार मैंने अलग अलग बार यूज किया हुआ था, अब इसमें क्या होता है कि एक ही बार लेंगे, इसके वर्टिकल बार के चारों तरफ ऐसे इसको लपेटते हुए चले जाएंगे ऊपर की तरफ। ये हो गया स्पाइरल टाई बार, या इसे बोलते हैं हेलिकल टाई बार भी बोलते हैं इसे। तो इसका डिज़ाइन अब चलिए करते हैं क्या होता है। ये स्पाइरल टाई बार क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके डाया की बात करूं तो 8 mm से लेकर के 16 mm तक, और डाया ऑफ मेन बार डिवाइड बाई 4, इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है, विच एवर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी कह सकता हूं कि जैसे हम इंडिपेंडेंट टाई बार में डाया निकालते हैं वैसे ही स्पाइरल टाई बार में डाया निकालेंगे। अब मैं बात करूंगा इसके पिच का, तो यहां पर मिनिमम पिच भी निकालते हैं और मैक्सिमम पिच भी निकालते हैं। तो पहले मैं मैक्सिमम पिच की बात करूं, अगर मैक्सिमम पिच कितना होना चाहिए, ठीक है मैक्सिमम पिच की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है 75 mm, और डाया ऑफ कोर डिवाइड बाई 6, डाया ऑफ कोर डिवाइड बाई 6, इन दोनों में जो सबसे कम होता है वो होता है मैक्सिमम पिच, विच इवर ऑफ मिनिमम वैल्यू, बात समझ आई। 75 mm या डाया ऑफ कोर बाई 6, और डाया ऑफ कोर कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। डाया कोर क्या होता है, देखिए जो वर्टिकल बार यूज करते हैं उसके आउटर फेस से जो पूरा डिस्टेंस होता है डाया का वो कहलाता है, या कह सकते हैं कि स्पाइरल टाई बार के अंदर का फेस जो होता है। अभी मैं फिगर बना के आपको बताता हूँ। देखिए ये हो गया आपका कॉलम, स्पाइरल टाई बार हमेशा सर्कुलर कॉलम में ही यूज किया जाएगा, ये भी ध्यान देना आप। अब देखिए यहां पर ये हो गया आपका मेन बार प्रोवाइड किया गया है, बहुत अच्छे समझना आपको डायाफ कोर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक डायाफ कोर ये हो गया आपका, सॉरी डायाफ मेन बार, और दूसरा आपका यहां पर यूज किया गया है, मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो आउटर फेस है, ये आउटर फेस और ये आउटर फेस, ये डिस्टेंस कहलाता है डी के, जो डाया है आपका, सॉरी हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये डाया है ना आपका, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है आउटर पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे क्या होता है डी के। या अगर हम स्पाइरल बार लगाते तो यहाँ से लेके स्पाइरल बार के थिकनेस कुछ ना कुछ होता कि नहीं, ऐसे होता, और यहाँ पर ये ऐसे होता, तो स्पाइरल बार के अंदर का फेस होगा, स्पाइरल बार के अंदर का फेस और मेन बार का आउटर फेस वो होता है आपका डाया ऑफ कोर बाई 6। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसके निकालने का फॉर्मूला भी क्या होता है डाया ऑफ कोर का, देखिए मैं आपको बता दूं, डाया ऑफ कोर डी के इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस 2 कवर प्लस 2 डाया ऑफ स्पाइरल बार। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप इसे, देखिए यहां से लेके यहां तक क्या हो गया आपका कैपिटल डी में से 2 कवर माइनस कर दिया मैंने, क्या माइनस कर दिया 2 कवर, ये कवर आपने माइनस कर दिया, ये कवर और ये कवर आपने माइनस कर दिया, प्लस इसी में क्या कर देंगे यहां से लेके, अब देखिए डी इज इक्वल टू क्या होता है आपका
टू इंटू कवर माइनस कर देंगे हम इसमें, तो ये आपका हो जाएगा टू इंटू कवर देखिए यहाँ पर जो आपका होता है डाया ऑफ कोर, ये पूरा आपका डी हो गया। डी में से कवर माइनस कर दिए, कवर कहाँ से कहाँ तक होता है, इस मेन बार के आउटर पॉइंट से ये डिस्टेंस कवर होता है आपका, कवर माइनस कर दिया मैंने, प्लस ये भी स्पाइरल बार ले लिया, ये भी, यानी कि हमारा जो है फॉर्मूला क्या बनता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, स्पाइरल बार के आउटर पॉइंट से होता है ये, ठीक है, कहाँ से होता है, स्पाइरल बार के। चलिए अगले वाले लेक्चर में मैं आपको इसका फिगर बना के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप फॉर्मूला याद रखिए, डी इज इक्वल टू डी माइनस टू इंटू कवर प्लस टू इंटू डायपर्स। अगले वीडियो में आपको इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा फिगर बना के अच्छे से कहाँ तक डिस्टेंस होता है। अगला होता है हमारा मिनिमम पिच की बात करूँ अगर मैं, ये कैसे निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 25 mm और 3 इंटू डाया ऑफ स्पाइरल बार। इन दोनों में जो सबसे मिनिमम होता है ठीक है, तो ये रहा आपका डिज़ाइन। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ना, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा एग्ज़ामों में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा ये सब चीज़ के बारे में। फिर मिलता हूँ, अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा ज़रूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। चैनल का नाम है टारगेट स्टडी पॉइंट।